विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं हम, लेकिन जब हरि कृपा होती है और भागवत की कथा सुनने मिलती है तो नासं विधा यही तदो दयते विवेका, इन सब का नाश हो करके हमें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक भी दो प्रकार का, सद और असद। असद तो जल्दी आ जाता है, सद दुर्लभता से मिलता है, कृपा से मिलता है। तो जब कृपा होती है तब ये कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। बड़ी कृपा है प्रभु की, आप सब इस कथा को सुन रहे हैं और मां नर्मदा के पावन तट पर जिन भगवती की आज से नहीं हमेशा से बड़ी कृपा रही है, ऐसी मां नर्मदा के पावन तट पर ये कथा हम सुन रहे हैं। एक बार की बात है, आगे ये कथा सुनेंगे आप, कि नारद जी सनत कुमारों से पूछते हैं कि ये कथा कहां सुननी चाहिए, कौन सी जगह है जहां कथा सुनी जाए, क्योंकि हर काम को करने का स्थान तय है। जैसे हमें सोना है तो हम शयन कक्ष में सोएंगे, रसोई घर में नहीं सोएंगे। भोजन पकाना है रसोई घर में पकाएंगे, पूजन करना है मंदिर में करेंगे, पढ़ना है विद्यालय जाएंगे। हर काम को करने का एक स्थान तय है, निश्चित है। तो कहा ये भागवत की कथा कहाँ कही जाए, कहाँ सुनी जाए, इसका भी तो कोई स्थान है। बिल्कुल है। कहा यदि भागवत की कथा घर पर की जाती है एक गुना फल मिलता है, यदि यही कथा मंदिर में की जाती है तो 10 गुना फल मिलता है, लेकिन यही कथा भगवती नर्मदा या भगवती गंगा के पावन तट पर की जाए तो अनंतानंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो हम भाग्यवान इसलिए कि मां नर्मदा का तट, जहां भगवती नर्मदा है वहां से 100 योजन तक का जो क्षेत्र है वो नर्मदा तट कहलाता है। ये नर्मदा तट है जहां हम बैठे हैं, भगवती का प्रवाह आगे या पीछे प्रवाहित हो रहा है, नर्मदा क्षेत्र, नर्मदा तट। लेकिन इस पर भी प्रश्न कर दिया परीक्षित ने कि भगवान जो नर्मदा तट, जो गंगा तट, जो यमुना तट पर नहीं जा सकते, क्या उनको कभी अनंत गुना फल नहीं मिलेगा? जो घर पे ही सुने, जो मंदिर में ही सुने या किसी दूसरे के पंडाल में जाकर के बैठ करके सुने, क्या उनको कभी पुण्य नहीं मिलेगा अनंत गुना? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन चिंता मत करो, ये भागवत की कथा एक बार जहां विराजित हो जाती है वो स्थान अपने आप गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, महेंद्र तनया इत्यादि जितनी भी पवित्र नदियां हैं उन सभी नदियों का तट बन जाता है। यहाँ तक कि स्वयं समुद्र देवता अदृश्य रूप में आकर के उस स्थान पर विराजित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये भागवत की कथा ऐसी है, अद्भुत, अनंतानंत फल देने वाली। और ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा में सबसे पहले श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत जी के महात्म की कथा को बताते हैं। महात्म का मतलब है भागवत का महत्व क्या है, और महात्म के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपायो, जो पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक सत चित और आनंद है। अब
सच्चिदानंद क्या होता है, सब सुनते हैं, सब कहते हैं सच्चिदानंद, पर है क्या ये सच्चिदानंद? सत्कार्थ है सत्य। देखो, भगवान को यदि पाना है अपने जीवन में तो सबसे पहले जरूरी है हम सत्यनिष्ठ हो जाएं, हम सत्य के मार्ग पर चलें, हम सत्य का अनुकरण करें, हम सत्य का अनुसरण करें, हम सत्य को अपने जीवन में धारण करें। सत्य, क्योंकि कृष्ण सत्य स्वरूप है। आप जाप करते हो, पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, करते हो, अच्छी बात है, नहीं करते हो कोई बात नहीं, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो, यदि आप सत्यवादी हैं तो, यदि आपने अपने जीवन में सत्य को धारण किया है तो फिर जाप, पूजन, हवन, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि सत्य के रूप में कृष्ण आपके जीवन में बैठे हैं। सत सत स्वरूप है कृष्ण। चित, चित का मतलब है चैतन्य है कृष्ण। जिनके जीवन में कृष्ण आते हैं उनके जीवन में चैतन्यता आ जाती है। एक व्यक्ति का जीवन होता है निराश, एक व्यक्ति का जीवन होता है उदास, वो हमेशा उदास रहेगा, हमेशा निराश रहेगा, हमेशा चिंता में रहेगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण स्वयं आ जाए या कृष्ण की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप चैतन्यता आ जाएगी। चैतन्यता मतलब होश और जोश। आप कभी वृंदावन गए हो या नहीं गए हैं तो जाना, न जाने कितने कितने न जाने कितने कितने लोग कृष्ण नाम में डूब करके दिन रात कृष्ण 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 कहते हैं, और केवल भारतीय नहीं, न जाने कितने कितने जो दूसरे देशों के हैं, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, वे भी इस राधा कृष्ण की रसधारा में डूबे दिखाई देंगे। कृष्ण नाम की चैतन्यता उनके जीवन में दिखेगी कि कृष्ण नाम को लेने में एक होश है, एक जोश है उनके पास। वो रात दिन कृष्ण कृष्ण गाते हैं, कभी कृष्ण के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, कभी कृष्ण के मंदिर में पोछा लगाते हैं, दिन रात कृष्ण के लिए फूलों की माला बनाते, मंदिर में बैठे मिलते। चित मतलब चैतन्यता। कृष्ण चैतन्य है। जिनके जीवन में कृष्ण की कृपा होगी वो कभी उदास नहीं रह सकता,